अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा की किचन में बन रही है केसर पिस्ता जलेबी। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है और एक कटोरी मैदा लिया है। दोनों ही चीज़ें हमें बराबर बराबर लेना है। इस एक कटोरी मैदे में काफ़ी सारी जलेबियाँ बन जाएगी। मैदे को एक बाउल में डालेंगे। हमें दही खट्टा लेना है। अब इस मैदे में हम दही को मिक्स करेंगे। सारा दही एक साथ नहीं डालना है। अभी ईद करीब है और ईद पर सभी मटन बिरयानी कोफ्ते समोसे आप ये सब डिशेस तो बनाएंगे ही, तो मीठे में आप ये जलेबी बनाएं। सभी मेहमान आपकी इस जलेबी को देखकर ही खुश हो जाएंगे और यकीन मानिए आपकी इस डिश की सभी बहुत तारीफ भी करेंगे। तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें। और ये जलेबी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त में बन भी जाएगी। तो आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इस घोल को हमें 2-3 मिनट तक इस तरीके से फेंटना है। अच्छे से फेंटने के बाद इसमें हम बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा मिक्स करेंगे। मीठा सोडा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और अब हम चाशनी बना लेंगे। दो कप शक्कर ली है, इसमें 1.5 कप पानी मिक्स करेंगे। चाशनी भी जल्दी ही तैयार हो जाती है। चाशनी हमें गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी कड़क बनानी है। चाशनी को एक प्लेट में डालकर देखें। अगर ये प्लेट में हल्की सी चिपकती है तो हमारी ये चाशनी परफेक्ट है। चाशनी बन चुकी है, अब इसमें हम केसर डाल देंगे। चाशनी बनाने के बाद अब घी गरम करने रख देंगे। कोई भी घी लिया जा सकता है। देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट लाजवाब रहेगा। अब ये जो जलेबी का हमने घोल बनाया है, इस घोल को इस बाटल में डाल देंगे। अगर बाटल नहीं है तो हम पॉलीथीन में भी बना सकते हैं। मैंने ये पॉलीथीन में डाल लिया है। बहुत थोड़ा सा इसमें हम छोटा सा कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। घी गरम हो गया है, अब हम सबसे पहले पॉलीथीन से मैं आपको बना के बता रही हूँ। अगर जलेबी की बाटल नहीं है तो हम ये पॉलीथीन से भी आराम से बना सकते हैं और जितनी जलेबी खाना हो उतनी बनाएं। अगर ये घोल बच जाता है तो हम इस घोल को फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे तब बनाएं। चाशनी को भी हम रख सकते हैं, घोल को भी रख सकते हैं और गर्मा गर्म जलेबी बनाएं, खाएं और खिलाएं। बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी ये। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम इसे टर्न करेंगे। ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है।
जलेबी दोनों ही साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और जलेबी को निकालते के साथ ही हमें चाशनी में डालना है। अगर हम इसे थोड़ी देर बाद अगर चाशनी में डालेंगे तो ये जलेबी सही से टेस्टी नहीं बनेगी। इसे हमें दो तीन मिनट तक इस चाशनी में डीप करके रखना है। इस दरमियान हमें और जलेबी बनाना है तो हम और जलेबी फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने आपको पॉलिथीन से बना के बताई थी, अब मैं आपको ये पाटल से बना के बता रही हूँ। देखो दोनों से ही लगभग लगभग एक जैसी ही बन रही है और बहुत आसानी से हम ये बना सकते हैं। ये एक बार हमें इस तरीके से इसे राउंड घुमाना है और इसे पैक कर देना है। अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो दो राउंड घुमा दें, ये इस तरीके से ये बड़ी जलेबी भी बन जाएगी। जलेबी को फ्राई होने में दो मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे। तो इस बार आप बकराईद पर समोसे, कोफ्ते, कबाब इन सब के साथ में जलेबी ज़रूर बनाएं। घर आए सभी मेहमान आपकी तारीफ करेंगे और गर्मा गर्म जलेबी खा के सब खुश भी हो जाएंगे। ये जलेबी भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। पहले हमने जो जलेबी डाली थी उसे हम निकाल लेंगे और इसे अब हमें इस चाशनी में रखना है। ये पहले जो हमने फ्राई करके डाली थी वो जलेबी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हम दो तीन मिनट तक इस चाशनी में रखेंगे। ये वाली जलेबी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे भी हम निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। अब इस जलेबी पर हम कोकोनट पाउडर डालेंगे। बारीक कटा हुआ पिस्ता, ये बहुत ही टेस्टी लजीज गर्मा गर्म हमारी केसर पिस्ता जलेबी कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।